इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन। तो हमारे पास चार तरह के जो हैं फोर टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप अवेलेबल हैं, SR, D, JK एंड T फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो SR को कन्वर्ट कर सकते हैं हम D में, JK में और ऐसे ही T में, ऐसे ही D को SR में, JK में और T फ्लिप फ्लॉप में, ऐसे ही JK को भी SR, D फ्लिप फ्लॉप में और टी फ्लिप फ्लॉप में, ऐसे ही टी फ्लिप फ्लॉप को भी SR, D और JK फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल ये 12 कन्वर्जन बनेंगे। ठीक, तो SR को D में कन्वर्ट कर सकते हैं, SR को JK में कन्वर्ट कर सकते हैं, SR को टी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब कन्वर्जन प्रोसेस में करते क्या हैं इसको समझ लो। पहले एक ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं। तो सपोज करो मैं पहला ही वाला SR टू D फ्लिप फ्लॉप, फ्रॉम SR फ्लिप फ्लॉप टू D फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रॉम SR टू D फ्लिप फ्लॉप ये हम कन्वर्जन कर रहे हैं। ठीक है, तो SR ये हमारा फ्लिप फ्लॉप हो गया, SR और Q और Q बार। ठीक है, ये इसके आउटपुट हो गए। अच्छा, अब हमें इसको D फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है, तो हमें एक यहाँ लॉजिक सर्किट या इसको डिकोडर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये लॉजिक सर्किट है जो हमको डिज़ाइन करना है। सही है, और एक यहाँ पर इसको डिकोडर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो लॉजिक सर्किट से जो इनपुट आएंगे S और R पे इनपुट आएंगे, और लॉजिक सर्किट जो SR के जो इनपुट हैं वो लॉजिक सर्किट से आएंगे, और लॉजिक सर्किट का जो इनपुट है वो है D। सही है, तो हमारा ये बेसिकली ये पूरे का पूरा बनेगा हमारा D फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो SR फ्लिप फ्लॉप को कन्वर्ट किया थ्रू लॉजिक सर्किट, सही है, D फ्लिप फ्लॉप में। ठीक है, तो अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो सभी में ही अप्लाई होगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो SR फ्लिप फ्लॉप है उसकी चाहिए हमें एक्साइटेशन टेबल। ठीक है, एक्साइटेशन टेबल, और जो D फ्लिप फ्लॉप है उसकी चाहिए हमें करेक्टरिस्टिक टेबल, क्योंकि ये ओवरऑल सर्किट जो एक तरह से जो उसका करेक्टरिस्टिक टेबल जो होती है वो उसकी जो ऑपरेशन है ना, जितने भी इसके ऑपरेशन है उसकी सबकी समरी होती है। ठीक है, तो इसको करेक्टरिस्टिक टेबल, तो हमें उस तरह एक्साइट करना है SR को कि वो जो D फ्लिप फ्लॉप की करेक्टरिस्टिक टेबल है उसको फॉलो करे। ठीक है, तो ये है करेक्टरिस्टिक टेबल किसकी, D फ्लिप फ्लॉप की। तो ये दो चीज़ हमें चाहिए, और उसके बाद फिर हम उसको के मैप से उसको हम जो SR जो इनपुट है जो जिसको हमें मॉडिफाइड करना है, तो ये इनपुट हमें उसको उसमें डिज़ाइन करने हैं, तो इनपुट की इक्वेशन बनानी है और उसके बाद वो सर्किट में लगा देनी है ना। तो सबसे पहले जो D फ्लिप फ्लॉप है उसकी करेक्टरिस्टिक टेबल, तो D फ्लिप फ्लॉप की करेक्टरिस्टिक टेबल में क्या है, तो D फ्लिप फ्लॉप है इनपुट में। ठीक है, और Qn भी एज ए इनपुट ही रहेगा, और Qn प्लस वन जो है वो हमारा आउटपुट है। सही है, तो सपोज करो पहले 0 0 01 10 11 ये पॉसिबल स्टेट है। सही है, तो सपोज करो प्रीवियस इनपुट 0 था, प्रीवियस आउटपुट जो था वो 0 था, और जो इनपुट आया वो 0 आया, तो जो नेक्स्ट आउटपुट जो आएगा वो भी 0 ही आएगा। ऐसे ही 01 है, प्रीवियस आउटपुट 1 था, इनपुट 0 आया तो आउटपुट 0 ही आएगा। प्रीवियस आउटपुट 0 था, इनपुट 1 आया तो 1 हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट लैच बोलते हैं इसीलिए इसको। तो डी का जो भी है वो सब आपका नेक्स्ट स्टेट में भी आएगा, जो डी का इनपुट है वही नेक्स्ट, जो नेक्स्ट स्टेट है उसका आउटपुट वही आएगा जो डी का इनपुट है ना। तो प्रीवियस आउटपुट अगर 1 था और जो हमारा इनपुट है प्रेजेंट इनपुट डी वो 1 है, तो आउटपुट 1 ही आएगा। ठीक है, अब SR फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल, तो SR फ्लिप फ्लॉप की जो एक्साइटेशन टेबल है तो उसमें Qn प्लस 1 और यहाँ पर S ये R। ठीक है, तो जब 0 0 रहेगा, 0 1 10 और 11। ठीक है, तो 00 01 10 11, तो SR का जो हमारा जो इनपुट होंगे, मतलब 00 लाने के लिए यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 मतलब प्रीवियस स्टेट भी 0 है और नेक्स्ट स्टेट भी 0 है। सही है, तो नो चेंज इसको ऐसे ले सकते हैं, इन दोनों को 00 और 11 को नो चेंज। तो नो चेंज में SR पे जो रहेगा वो रहेगा 0x। ठीक है, R की वैल्यू कुछ भी है। ठीक है, तो
ये आपका जो प्रीवियस आउटपुट अगर आपका जीरो है और नेक्स्ट आउटपुट भी आपको जीरो चाहिए तो एस पे जीरो ही अप्लाई करना है और आर पे वन या जीरो कुछ भी अप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही अगर प्रेजेंट जो हमारा आउटपुट है, जो हमारा प्रीवियस आउटपुट था जीरो, नेक्स्ट आउटपुट हमें चाहिए वन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे वन और इस पर अप्लाई करेंगे जीरो। ठीक है, तो ये है सेट वाली स्टेट। ठीक, सेट ये नो चेंज, ऐसे ही ये वाला जो वन वन वाला है ये भी नो चेंज है। ठीक है, ठीक। अब आते हैं 01 पे, हो गया। अच्छा, अब 10 पे, 10 पे क्या कर रहे हैं हम, इसको रीसेट कर रहे हैं। तो रीसेट पे क्या होगा, जो एस है उसको जीरो देना है और आर है उसको वन देना है। ठीक है, अच्छा, 1 से 1 पे प्रीवियस आउटपुट अगर वन है और नेक्स्ट आउटपुट भी अगर हमें वन चाहिए, सही है, तो हम क्या करेंगे, एस पे कुछ भी अप्लाई करें पर आर पे जीरो ही करेंगे, क्योंकि अगर आर पे हमने वन अप्लाई किया तो जो नेक्स्ट आउटपुट है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझने वाली है थोड़ी सी। तो नो चेंज नो चेंज ये दोनों एक से नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि एस पे जब भी एस आर फ्लिप फ्लॉप में एस पे जो इनपुट है उस पर अगर आप वन दोगे तो क्यू भी हमारा जो है वो वन हो जाता है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एस पे जब भी वन दोगे तो हमारा जो नेक्स्ट आउटपुट है वो वन ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर 10 कुछ भी दो, ठीक है, पर आर पे अगर हम वन देते हैं तो जो नेक्स्ट आउटपुट है वो जीरो आएगा। ठीक है, तो इस तरह से टेबल है। तो एक्साइटेशन टेबल है ये एस आर फ्लिप फ्लॉप की, और करेक्टरिस्टिक टेबल है ये डी फ्लिप फ्लॉप की। ठीक है, ये डी फ्लिप फ्लॉप की करेक्टरिस्टिक टेबल हो गई। अब हमें क्या करना है, क्यू एन प्लस वन ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो टेबल बनानी है उसमें डी क्यू एन प्लस वन और इधर एस और आर, ठीक है, ये हमें बनानी है। ठीक है, तो इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, सही है, क्योंकि कॉमन है हमारा क्यू एन प्लस वन। तो यहां पर हमने दिया है जीरो, इस पे जीरो है, इसको भी ऐसे ले लेता हूं मैं। ठीक है, तो जीरो जीरो और यहां पर आया जीरो, और जीरो जीरो पे एस आर का जो है इनपुट जीरो एक्स, सही, जीरो या वन हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे इस पे जीरो, यहां पर वन, यहां पर जीरो। ठीक है, तो 10 के लिए यहाँ पर ये 10 है, और यहाँ पर 10 कहाँ पर है, यहाँ पर ये 10। ठीक है, ये जरा देखना, ये बिल्कुल सीरियली नहीं है। तो क्यू एन प्लस वन को कॉमन मानना है, तो 0 0 0 0 पे 0x, फिर 10, तो 10 कहाँ पर है, यहाँ पर 10 पे 01, तो इस पे 01। ठीक है, ठीक, फिर 10 पे, यहाँ पर 10 है, सही है, 10 पे ये 1 है। अब कॉमन है हमारा क्यू एन प्लस वन, यानी 01 के लिए देखना है, 01 के लिए 10, और फिर उससे आगे हमारा 11, और नेक्स्ट स्टेट भी हमारी आनी चाहिए 1। ठीक है, डी में जब इनपुट 1 रहता है तो नेक्स्ट आउटपुट भी 1 आएगा, तो 11 के लिए, 11 के लिए यहाँ पर 11 के लिए है हमारा x 0। ठीक है, तो ये जो है ये तो है करेक्टरिस्टिक टेबल किसकी, डी फ्लिप फ्लॉप की। ठीक है, और ये जो है इधर वाला पोर्शन ये एस आर फ्लिप फ्लॉप की क्या है, एक्साइटेशन टेबल है। ठीक है, तो दोनों को मर्ज कर दिया तो ये बना। ठीक, अब हमारे जो इनपुट हैं एस आर, एस पे क्या अप्लाई करें और आर पे क्या अप्लाई करें, तो लॉजिक सर्किट से हमें वो डिजाइन करना है लॉजिक सर्किट। ठीक है, तो एस के लिए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्यू एन और जो हमारा डी और क्यू एन है, तो यहाँ पर हमारे सिर्फ हैं हमारे दो इनपुट। ठीक है, क्यू एन प्लस वन तो नेक्स्ट है ना, तो ये दो हैं हमारे इनपुट के मैप के लिए। ठीक है, तो डी फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप में सिर्फ दो इनपुट रहेंगे, एस आर और जेके में यहाँ पर तीन हो जाते हैं, तो 0 0 0 0 0 1 से लेके 1 1 1 1 तक वो सब आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको आगे एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो ये है हमारे इनपुट, और उसके करस्पॉन्डिंग जो एस की वैल्यू है वो क्या क्या आई है वो हमें इसमें फिल करनी है ना। तो सबसे पहले एस के लिए बनाते हैं के मैप, डायरेक्ट भी ले सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर ये है और ये है, पर यहाँ पर ये प्रॉब्लम आएगी कि जब ये डोंट केयर है तो डोंट केयर को जब लेंगे अगर ये पेयर बना तो ठीक है, नहीं बना तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो इसको बाद में देखेंगे, पहले इसका के मैप बना लेते हैं इजिली। तो यहाँ पर है डी और यहाँ पर है क्यू एन, तो क्यू एन बार, यहाँ पर क्यू एन, यहाँ पर डी बार, ये डी, तो 0 1, ये 0 और ये 1। ठीक है, तो 0 0
जीरो वन, यानी जीरो यहाँ पर, वन यहाँ पर, मैप होगा टू इधर और थ्री इधर, सही है। अब एस के लिए देख लेते हैं, तो एस का है हमारा 10, यानी टू पर और थ्री पर, थ्री पे है डोंट केयर, तो वन है यहाँ पर और ये है डोंट केयर, तो इसका पेयर बन जाएगा, ठीक है। अगर इसको छोटा है तो इसको आप एलजेब्रा की तरह से सोल्व करने लगें तो यहाँ पर जो बनेगा एस का आएगा यहाँ पर डी क्यू एन बार, तो एस इक्वल्स टू डी क्यू एन बार प्लस, और यहाँ पर ये डोंट केयर है, ठीक है। तो डोंट केयर में डी क्यू एन, डी को कॉमन ले लोगे, क्यू एन बार प्लस क्यू एन, तो क्यू एन बार प्लस क्यू एन कितना होता है वन, तो डी आएगा। तो यहाँ पर भी जब इसको ले रहे हैं तो ये एस इक्वल्स टू डी आएगा, ठीक है, ये पेयर बना, ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, ये डी आएगा, एस इक्वल्स टू डी। अब ऐसे ही आर के लिए, तो ये तो हो गया एस के लिए, अब आर के लिए, ठीक है। तो आर है हमारा जीरो पे और वन पे, तो इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो जीरो पे है हमारा डोंट केयर और वन पे है वन, तो इसका यहाँ पर पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आया आर इक्वल्स टू हमारा आया डी बार, ठीक है, आर इक्वल्स टू डी बार। तो अब इसको लॉजिक सर्किट में, बस इसको अब जाके सीधा सीधा यहाँ पर डिज़ाइन कर देंगे, तो जो हमारा ये बनेगा, तो एस इक्वल्स टू डी, ठीक है, एस इक्वल्स टू डी और आर इक्वल्स टू डी बार, तो डी बार है, तो एक हम यहाँ पर नोट गेट लगाएंगे और ये, तो ये बन गया हमारा एस आर फ्लिप फ्लॉप टू डी फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन, ठीक है। तो बस ये दो चार चीज़ें हमें याद रखनी है इसमें, है ना। तो एक तो करेक्टरिस्टिक टेबल, उसकी आएगी जो हमारा आउटकम है, यानी ये इसकी आएगी करेक्टरिस्टिक टेबल हमेशा, ठीक है, जिसमें हमें उस सर्किट को ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है, और जिससे करना है उसकी आएगी एक्साइटेशन टेबल। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, डी इनपुट कुछ इस तरह दे रहे हैं लॉजिक सर्किट के थ्रू कि वो एक्साइट इस वे में हो कि वो डी फ्लिप फ्लॉप के करेक्टरिस्टिक टेबल को शो करे, सही है, जो डी फ्लिप फ्लॉप के ऑपरेशन है उस पार्टिकुलर इनपुट पे उसको वो शो करे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा एस आर टू डी फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन, ठीक है। तो टोटल हमारे पास है 12 कन्वर्जन, 12 कन्वर्जन में से जो टी वाले हैं, टी फ्लिप फ्लॉप से और डी फ्लिप फ्लॉप से, बाकी में कन्वर्ट करना है, तो डी टू एस आर, डी टू जे के और डी टू टी, तो डी टू टी में एक ही इनपुट के लिए आपको बनाना है, सही है। जैसे यहाँ एस आर है दो के लिए बनाया, एस को आर के लिए, दोनों के लिए के मैं बनाया, डी टू टी में सिर्फ आपके दो इनपुट रहेंगे और एक आउटपुट है, सही है, जिसके लिए आपको सर्किट डिज़ाइन करना है, ठीक है ना। जैसे कि अगर सपोज करो डी टू, मैं यहाँ पर जैसे डी टू एस आर बनाया, मैं डी टू टी बना रहा हूँ, तो डी टू टी में यहाँ पर ये टी फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, और यहाँ पर कोई लॉजिक सर्किट आएगा और एक ही इनपुट के लिए हमें डिज़ाइन करना है, तो डी टू टी में दो इनपुट रहेंगे, एक आउटपुट के लिए बनाना है जो इसका लॉजिक सर्किट से आउटपुट निकलेगा, ठीक है। डी टू जे के में दो इनपुट रहेंगे, सही है, तो दो इनपुट का मतलब है डी और क्यू एन बार, डी और क्यू एन, और जे के दो आउटपुट निकलेंगे, ठीक है, ठीक। ऐसे ही जब टी से करेंगे तो टी के लिए भी सेम है, सही है। तो जैसे टी, इनकी जगह अगर मैं टी से रिप्लेस कर दूं, टी टू एस आर, टी टू जे के और टी टू डी, ठीक है, तो यहाँ पर भी दो इनपुट और आउटपुट सिर्फ एक ही बनेगा। ऐसे ही टी टू जे के में दो इनपुट, यानी टी और क्यू एन रहेंगे दो इनपुट, और जे के पे जे और के लिए, दोनों के लिए हमें सर्किट डिज़ाइन करना है। ऐसे ही टी टू एस आर के लिए दो इनपुट, डी और क्यू एन और एस आर इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए अलग अलग हमें लॉजिक सर्किट बनाना है ना। अच्छा, अब है सपोज करो हम बना रहे हैं एस आर टू, सॉरी ये तो हो गया डी टू एस आर, सॉरी एस आर टू डी,